Hello students, again I welcome you all on your PDA education. So today we are going to discuss another important topic of reasoning that is insert the missing character. Now what is insert the missing character? Our students, this topic hai, that is insert the missing character, there are characters given. Ho sakte character can be letters, that can be numbers or that can be combination of both letters and numbers. Clear? So you are given with some diagram or I can say you are given with some figure in which some characters will be arranged. That can be numbers, that can be letters or that can be combination of both. Clear? So that figure can be square, that figure can be circle, that figure can be oval shape. So that can be something or that can be any matrix. So accordingly, some numbers or some letters or their combination may be given to you so one character will be missing in that figure so figure can be of various types so accordingly you have to find that missing character that can be a number that can be a letter or that can be combination of both so in this topic you must have a knowledge of some basic mathematical operations so that can be division ट कैन बी मल्टीप्लीकेशन दट कैन बी एडिशन दैट कैन बी सब्रैक्शन तो इसमें क्या करना है आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनका यूज करना है और मिसिंग करेक्टर को फाइंड आउट करना है क्लियर उस मैट्रिक्स में उस फिगर में जितने भी करेक्टर्स दिए हुए हैं वो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे सो दैट कैन बी रो वाइज दैट कैन बी कॉलम वाइज सो दैट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी समिजिट और दैट कैन बी डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑल्सो दैट कैन बी दैट कैन बी एनी थिंग सो दैट पैटर्न कैन बी एनी थिंग क्लियर है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए थे तो उसमें भी तुमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया और अकॉर्डिंगली आपने क्या कर दिया वो मिसिंग नंबर या मिसिंग एल्फाबेट तुमने फाइंड आउट कर दिया तो सिमिलरली इन क्वेश्चन में भी कुछ आपको ऐसे ही करना है क्लियर है तो उसमें सम ऑफ डिजिट से भी बन सकता है अगला नंबर जो मिसिंग नंबर है ठीक है जो मिसिंग कैरेक्टर है या डिफरेंस ऑफ डिजिट से भी बन सकता है या किसी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी वो बन सकता है ठीक है मल्टीप्लीकेशन हो सकती है उसमें डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर दो या तीन जो तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो एक साथ यूज हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो और नेक्स्ट वाला उसमें एड कर रहे हो ऐसा भी हो सकता है आप होरिजोनटली चल सकते हो मैट्रिक्स में वर्टिकली चल सकते हो कैसे भी चल सकते हो क्लियर है तो इसमें आपको ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो मिसिंग करेक्टर है वो आइडेंटिफाई करना है पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करोगे जैसे कि हमने नंबर सीरीज में आइडेंटिफाई किया था मैथमेटिकल ऑपरेशन से कर सकते हो स्क्वेयर ऑफ नंबर हो सकता है क्यूब ऑफ नंबर हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो हम आई क्लियर दैट कैन बी डिजिट डिफरेंस ऑफ डिजिट कुछ भी हो सकता है वो हम आई क्लियर स्टूडेंट्स सो अगर अब मैं तुम्हारे साथ ये डिस्कस करूं दैट इज इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर जो टॉपिक है इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है सो अ फिगर और अ सेट ऑफ फिगर्स एंड अरेंजमेंट और अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स विल बी गिवन टू यू दी जा सकती है कोई फिगर दी जा सकती है फिगर्स का कोई सेट दिया जा सकता है अरेंजमेंट दिया जा सकता है ईच ऑफ विच बियर्स अ सर्टेन करेक्टर ठीक है तो वो उनमें से क्या होगा कोई ना कोई वो सर्टेन करेक्टर क्या होगा बियर करेगा ठीक है सर क्या, क्या हो सकता है नंबर हो सकता है लेटर्स हो सकता है ग्रुप ऑफ लेटर्स और नंबर्स हो सकता है फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न एम आई क्लियर स्टूडेंट तो ये जो लेटर्स हैं नंबर्स हैं या इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करेगा कोई ना कोई क्या करेगा कोई पैटर्न फॉलो करेगा सो यू हैव टू डेसीफर द पैटर्न यू हैव टू डी कोड दैट पैटर्न एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर Am I clear, तो अब इसमें कुछ और मैम आपके, आपके साथ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में तुम्हें बता चुका हूं अब इसमें अगर मैं बताऊ हाँ जी इसमें और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स वो दैट कैन बी जैसे मैंने तुझे अगर आपको करेक्टर कोई अल्फाबेट दे रखा है तो अकॉर्डिंगली आपको उसकी नंबरिंग करनी आनी चाहिए उसके बेस पर क्या हो सकता है वो अल्फाबेट तुम्हें दिया जा सकता है सो एक निमोनिक बताया था इजोटी क्लियर है तो ये मैं तुम्हें बता चुका हूं इजोटी तो अब जैसे इसमें ई e फाइव है जे टेन है ओ फिफ्टीन है टी ट्वेंटी है वाई ट्वेंटी फाइव है तो ये मैं तुम्हें बता चुका हूं अगर तुम्हें अल्फाबेट में इन पांच अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद है तो सभी अल्फाबेट्स की नंबरिंग तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ए इज वन एंड जेड इज ट्वेंटी सिक्स ये तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब तुम मूव करते हो क्लियर है रिवर्स डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूं तो जेड को वन दूंगा वाई को कितना दूंगा टू देन एक्स को कितना दूंगा थ्री तो so, इसका मतलब किसी भी अल्फाबेट का अगर आप रिवर्स नंबरिंग करते हो और करते हो और फॉरवर्ड नंबरिंग करते तो उसका सम कितना होना चाहिए 27. So, Z1, Z26. से 26, से कितना so, नंबर तो so, आ जाएगा सो दैट विल बी ट्वेंटी सिक्स आई थिंक क्लियर होगा आपको ये तो so, ये कुछ uh, ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं जिससे तुम क्या कर सकते हो अगर आपको कोई करेक्टर कोई लेटर दिया हुआ है अकॉर्डिंगली आप नंबरिंग से उसे फाइंड आउट कर सकते हो उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू नंबरिंग ऑफ एल्फाबेट्स आई क्लियर स्टूडेंट्स तो अगेन इसमें अब मैं तुम्हारे साथ नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा नंबर्स के लिए अब मैं तुम्हें बता चुका हूं नंबर्स के लिए और क्या हो सकता है हां जी तो नंबर्स के लिए सो तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं नंबर्स के अगर स्टूडेंट में बात करूं तो नंबर्स में कुछ भी हो सकता है यहां पे डिवाइड हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है एडिशन हो सकता है सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है तो इनका कंबिनेशन भी किसी मैट्रिक्स किसी फिगर में यूज किया जा सकता है एक साथ ठीक है तो दो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और थर्ड डिजिट क्या हो, हो कई कर, जो लास्ट, जो लास्ट तो आप आप कर सकते हो इसके अलावा ये तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस है इसके अलावा इसमें स्क्वेयर्स भी दिए जा सकते हैं क्यूब्स भी दिए जा सकते हैं जैसे मैं तुम्हारे साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं स्क्वेयर्स क्या है एग्जाम्पल स्क्स आप थर्टी तक एटलीस्ट तुम्हें स्क्स याद होने चाहिए जैसे कि मैं तुम्हें नंबर सीरीज में शो कर चुका हूँ क्लियर सो वन स्क्र इज वन टू स्कर इज फोर थ्री स्कोर नाइन फाइव स्क्टर ट्वेंटी स्क्र एटी वन फिफ्टीन स्क्र टू टू फाइव तो ये तुम्हें कुछ स्क्स पता होने चाहिए 12. 12 क्लियर है

सो so, इसके बाद हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं इंसर्ट द मिसिंग करेक्टर से वो मैं तुम्हारे साथ अब डिस्कस करूंगा क्लियर स्टूडेंट्स सो लेट अस स्टार्ट विद सम नाउ ऑन दिस टॉपिक ओके स्टूडेंट्स सो दीज आर द टू क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फर्स्टली सो अगेन दे हैव अपियर्ड इन सम एग्जाम सो इसमें क्या करना आपको देर आर फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन मार्क क्लियर है तो यहां पर क्या दे रखा है आपको जैसे आपको काफी सारे नंबर दे रखे हैं तो यहां पर आपको मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना है सिमिलरली यहां पर आप देखो सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है करेक्टर्स में लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि यहां पर कौन सा लेटर आएगा क्लियर है सो अगेन आई एम गिविंग यू समाइम सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज करेक्टर्स हाँ जी सो स्टार्ट सोल्विंग नाउ स्टूडेंट्स ओके सो so, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर अगर मैं डिस्कस करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो स्टूडेंट फोर फोर ए ट्वेंटी फोर नाइनटी सिक्स फोर एटी टू जीरो क्लियर है तो इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं स्क्वेयर में और स्क्वेयर को फर्दर डिवाइड किया गया ठीक है तो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है स्क्वेयर को फर्दर अगर अब मुझे यहां पर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है तो मुझे पहले एक बार सभी नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आई हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न अगर मैं यहां से स्टूडेंट अगर स्टार्ट करता हूं फोर से जो सबसे छोटा नंबर है अगर वहां से स्टार्ट करता हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि जब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो धीरे धीरे नंबर्स क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ पैटर्न एग्जिस्ट हो सकता है प्रीवियस नंबर किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर अपने से बड़ा नंबर दे रहा हो ये क्या है एक पॉसिबिलिटी है तो फॉर एग्जाम्पल फोर के बाद फोर आया है फोर के बाद फोर आया है अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे देखूं फोर के बाद फोर आ गया है तो इसका मतलब इस फोर में मैंने इंटू वन किया होगा तभी नेक्स्ट फोर बना है इस फोर को अगर प्रीवियस नंबर देखूं तो फोर से एट बना है तो इसका मतलब इस फोर को मैंने दो से मल्टीप्लाई किया है तो मैं एक पैटर्न क्या देख पा रहा हूं पहले आप इंटू वन कर रहे हो फिर इंटू टू कर रहे हो प्रीवियस नंबर को ठीक है एट के बाद ट्वेंटी फोर बन रहा है तो इसका मतलब एट को आपने तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो पैटर्न क्या बन रहा है इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री ट्वेंटी फोर के बाद आया नाइनटी सिक्स क्या बन गया है जी के बाद इसका मतलब दैट इज इंटू फाइव 96 सिक्स इंटू फाइव कितना बनेगा दीरोन अगेन इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव

एट एट जीरो कौन सा नंबर आना चाहिए टू एट एट जीरो क्लियर है टू एट एट जीरो को फर्दर जब मैं सेवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनना चाहिए दैट इज टू जीरो वन सिक्स जीरो टू एट एट जीरो इन टू सेवन सेवन जीरो सेवन एट सिक्स सेवन एट सिक्स और फाइव सिक्सटी वन सेवन टू दिन और सिक्स ट्वेंटी सो दू जीरो वन सिक्स जीरो तो क्या देख पा रहे हो आप इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या बन रहा है प्रीवियस नंबर इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन क्लियर है तो हमारा आंसर क्या बनेगा दैट इज मिसिंग नंबर विल बी टू एट एट जीरो सो माई आंसर विल बी ऑप्शन सी हां जी जल्दी से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट से स्ट्रेंड्स so, ये जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें अगर आप एक बार जल्दी से ऑब्जर्व कर लो वहां पर जितने भी मैंने तुम्हें ऑपरेशन बताए हैं अगर आप वो सभी लगाकर देख लें तो क्वेश्चन क्या हो सकता है इजिली सॉल्व हो सकता है ठीक है इनके अलावा कोई और ऑपरेशन बनता नहीं है जो मैंने डिस्कस किया है अदरवाइज इन क्वेश्चन में काफी टाइम लग जाता है कई बार सोल्व करने में क्लियर स्ट्रेंड तो जितने भी अलग वराइटीज के क्वेश्चन होंगे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा थ्रू दिस वीडियो हाँ जी सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर वन फॉर यू सी क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज अ कंबिनेशन ऑफ बोथ लेटर्स एंड नंबर्स नंबर और लेटर दोनों का कंबिनेशन है दट इज क्वेश्चन नंबर टू ओके स्टूडेंट सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर वन आपको क्लियर होगा सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू फॉर यू सो क्वेश्चन नंबर टू जब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं तो यहां पर दिया हुआ एफ पी ट्वेंटी टू जी एन ट्वेंटी वन EJ 15, then K 27, हाँ 22। दो मेरे पास अल्फाबेट दिए हुए हैं और एक इसमें नंबर दिया हुआ है अगेन अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो मैं आपको बता चुका हूं इजोटी इजोटी आई uh, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका 5 10 15 20 25 ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं इजोटी एफ का नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स दैट इज एफ पी 22 एफ इज फिक्स फिक्स से तुम क्या याद रखोगे दैट इज सिक्स एफ से फिक्स बनता है और एफ का नंबर क्या बन जाएगा सिक्स हाँ जी देन पी ओ इज 15 तो पी कितना बन जाएगा दैट इज 16 तो सिक्स प्लस 16 कितना देगा मुझे 22 6 प्लस 16 कितना देगा मुझे 22 हां जी जी एन इसका मतलब ये जो तुम्हारे पास जो लेटर्स दिए हुए हैं इन्हीं का इनकी जब तुम नंबरिंग करते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस नंबरिंग का जो सम आता है तो वो आपको वो ही नंबर उसने यहां पर लिख कर दिया हुआ है हाँ जी एन हां जी जी कितना बनेगा दैट इज सेवन हां जी एन कितना बनेगा दैट इज फोर्टीन तो फोर्टीन प्लस सेवन कितना होना चाहिए ट्वेंटी वन उसने ट्वेंटी वन ही दिया है यहां पर तो अगेन जी और एन की जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबरिंग की तो वो ही नंबर उसने दिया है हाँ जी ई जे ई जे के साथ लिखा हुआ है फिफ्टीन ई इज फाइव जे इज टेन अगेन क्या बन जाएगा कितना बन जाएगा 15, तो इसका मतलब करेक्ट दिया उसने क्लियर हां जी तो सिमिलर पैटर्न पर मुझे लिखना होगा के क्वेश्चन मार्क नंबर नंबर बनना चाहिए ट्वेंटी सेवन के का नंबर कितना होता है इलेवन के का नंबर कितना होता है इलेवन अब मुझे कोई ऐसा करेक्टर यहां पर ऐसा कोई लेटर इंसर्ट करना पड़ेगा जिसका नंबर क्या हो सिक्सटीन हो तभी तो ट्वेंटी सेवन बनेगा क्लियर है तो यहां पर सिक्सटीन लिखना पड़ेगा तो फिफ्टीन किसका होता है दैट इज फिफ्टीन नंबर होता है ओ का तो पी का कितना होता है दैट इज सिक्सटीन तो कौन सा लेटर यहां पर आएगा दैट इज पी कौन सा लेटर आएगा पी क्लियर है तो ये क्या बन जाएगा ट्वेंटी सेवन तो माई आंसर विल बी ऑप्शन

ओके सो आई थिंक आप अभी तक समझ पाए होंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दो सर्कल दिए हुए एक आउटर सर्कल दिया हुआ एक इनर सर्कल दिया हुआ है आउटर सर्कल में देर आर फोर एट नंबर एंड इन इनर सर्कल देर आर फोर नंबर क्लियर है तो इसका मतलब दो नंबर से एक नंबर बन रहा है अगर मैं ध्यान से ग्रुपिंग देखूं इसकी थ्री टू और यहां पर क्या लिख दिया इनर इनर वन में दैट इज वन क्लियर है तो इसका मतलब उसने थ्री और टू का डिफरेंस लिख दिया अंदर दैट इज वन तो अगर मैं ये सेम पैटर्न अगले में अप्लाई करूं एट माइनस सिक्स टू बट टू नहीं लिखा उसने एट लिख दिया बट तुम्हें पता है कि एट किसका क्यूब होता है दैट इज ठीक है और वन का क्यूब क्या होता है दैट इज तो अगेन ये पैटर्न बन सकता थ्री माइनस टू आउटर में जो दो नंबर दिए हुए उनका डिफरेंस का क्यूब कर लो सो दैट इज वन इज वन एट माइनस सिक्स इज टू टू का क्यूब कर लो सो दैट इज इनर में इनर सर्कल में एक नंबर लिख दिया एट नाइन माइनस सिक्स नाइन माइनस सिक्स का डिफरेंस दिया हुआ है थ्री थ्री का क्यूब लिख दिया इनर सर्कल में दैट इज ट्वेंटी सेवन क्लियर इलेवन माइनस सिक्स तो सिमिलर पैटर्न पर जब मैं चलूंगा क्लॉकवाइज चल रहा हूँ क्यूब 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 क्लियर है अब अगेन जब मैं डिफरेंस लूंगा आउटर सर्कल में जो दो न, दो नंबर्स दिए हुए इलेवन माइनस का क्यूब क्या होगा दैट इज वन ट्वेंटी फाइव तो मिसिंग नंबर आपका क्या बन जाएगा दैट इज फाइव क्यूब सो दैट इज वन ट्वेंटी फाइव सो माई आंसर विल बी वन टू फाइव क्लियर स्टूडेंट्स हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी से बॉक्सेस so ठीक है तो इसका जो विसिनिटी में है जो इसके जो जो इसके साइड्स में जो चार बॉक्सेस दिए हुए हैं और सेंटर में एक बॉक्स दिया हुआ है क्लियर है सिमिलरली इसमें दिया हुआ है और सिमिलरली इसमें दिया हुआ है तो आपको जो सेंटर में जो बॉक्स है वहां पर जो नंबर आना है वो मिसिंग है क्लियर है तो जो आउटर जो बॉक्सेस में जो नंबर दिए हुए हैं अगर मैं इनमें कोई रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर लूं कोई पैटर्न बना लूं और मैं उससे सेंटर का नंबर बना सकूं सो दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर मी क्लियर सो दट इज वन जीरो नंबर को देख कर मेरे माइंड में एक बात आती है, हो सकता है कि टेन का स्क्र प्लस थ्री का स्क्र अगर ऐसा कुछ बन जाए तो वन जीरोज हंड्रेड प्लस नाइन क्लियर है तो अगर मैंने इसे ब्रेक करके देखा तो हंड्रेड प्लस नाइन तो हंड्रेड बन सकता है सिक्सटीन माइनस सिक्स सिक्सटीन माइनस सिक्स का जो डिफरेंस बनेगा दैट विल भी टेन क्लियर है तो डिफरेंस का मैंने स्क्वेयर लिख दिया सो दैट इज टेन स्क्र फाइव माइनस टू सो दैट इज थ्री थ्री का स्क्र क्या होगा दैट इज नाइन हंड्रेड प्लस नाइन कितना बन जाएगा सो दैट इज वन जीरो स्क्वायर प्लस थ्री तो कितना बन जाएगा? का स्क्वेयर so so लिखना पड़ेगा मुझे क्लियर है ट्वेंटी वन माइनस नाइनटीन सो दैट इज टू का स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो दैट इज सेवन स्क्वायर प्लस टू स्क्र दट इज फोर्टी नाइन प्लस फोर कितना बनेगा दैट इज फिफ्टी थ्री

हाँ अगेन सो आर सम क्वेश्चंस अगेन इसमें थोड़ा मैंने फिगर्स की जो शेप है वो चेंज कर दी है क्लियर है तो लास्ट में जाने मैं, मैंने कुछ बॉक्स बनाए थे ठीक है तो ऐसे सर्कल के बाहर कुछ नंबर दिए जा सकते हैं तो सेंटर में कोई नंबर आइडेंटिफाई करना जा सकता है या फिर ओवल शेप में कुछ नंबर तुम्हें दिए जा सकते हैं सेंटर में तुम्हें तो कोई नंबर फाइंड आउट करना यहाँ पर पड़ सकता है क्लियर है तो अब अगेन आपको इसमें ध्यान क्या रखना है आपको अगेन इसमें क्या करना है कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना है उससे कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और सेम पैटर्न आपको जहां पर नंबर कोई नंबर या कोई लेटर मिसिंग है वहां पर अप्लाई करना है क्लियर है सो अगेन आई एम गिविंग यू सम टाइम फॉर सॉल्विंग दीज टू क्वेश्चन सो सी यर नाउ दीज टू क्वेश्चन फ्रेंड्स एक बात मैं इसमें तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें क्या हो सकता है कई बार मल्टीपल आंसर कैन एग्जिस्ट ठीक है मल्टीपल आंसर बन सकते हैं सो दैट अगेन डिपेंड योर ऑन योर ऑप्शन कि ऑप्शन वहां पर क्या दिए मैं फॉर एग्जाम्पल सर मेरा पैटर्न ये बन रहा था वो सभी फिगर्स में अप्लाई हो रहा था बट उसके बेसिस पर उसने आंसर नहीं दिया था वहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था क्लियर है सो दैट कैन बी ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी क्लियर है तो अब उसने किस हिसाब से किस पैटर्न को माइंड में रखकर वहां पर क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किया है वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम्हें आंसर करना पड़ेगा माई क्लियर स्टूडेंट तो पैटर्न का तुम्हें ध्यान रखना है ठीक है एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं कई बार क्लियर है तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी टू ठीक है तो ये आपको कुछ बाहर जो ये ओल्ड शेप दे रखी है उसमें ये नंबर दे रखे हैं और उसके बाद सेंटर में एक नंबर दे रखा है तो ये जो बाहर चार नंबर दे रखे हैं इससे मैं सेंटर वाला एक नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी सिक्स प्लस फिफ्टीन अगर मैं करूँ सो दैट विल बी कितना बन सकता है दैट 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 कैन बी 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 प्लस कितना होगा सो सो विल विल क्लियर है तो सम जो लेफ्ट साइड पर जो नंबर दे रखे हैं और जो राइट साइड पर जो नंबर दे रखे हैं उनका जब मैंने सम किया और आपस में जब मैं डिफरेंस निकालता हूँ सेवनटी वन माइनस थर्टी तो ये क्या बनेगा दैट इज फोर्टी वन तो क्या बन जाएगा फोर्टी वन क्लियर स्टूडेंट्स तो अगेन इसमें कोई दूसरा ऑपरेशन भी यूज हो सकता है उससे भी 41 बन सकता है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोई किसी और ऑपरेशन के साथ भी 41 पॉसिबल हो सकता है मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इसी ऑपरेशन से पॉसिबल है किसी दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी ये पॉसिबल हो सकता है एम आई क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 46 plus 9 तो ये क्या बनाएगा? दैट इज 55 हाँ जी 10 10 plus 6 कितना बन जाएगा? So that is 16. Again 55 minus 16, so that will be 39. तो लेफ्ट हैंड साइड का सम किया राइट हैंड साइड का सम किया डिफरेंस लिया तो सेंटर का मेरा नंबर आ गया 34 और 11 कितना बनेगा दैट इज 45 14 प्लस 6 कितना बन जाएगा दैट इज 20 45 माइनस 20 कितना बनेगा दैट इज 25 सो माय आंसर विल बी ऑप्शन बी माय आंसर विल बी ऑप्शन बी माय आंसर विल बी ऑप्शन बी सो दैट इज 25 आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो सर्कल के अंदर कोई नंबर दे रखा है सिमिलर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा इन दो फिगर्स में और वो ही सेम पैटर्न तुम्हें लास्ट फिगर पर अप्लाई करना है एट टू सिक्स सिक्स क्लियर है तो अगर थर्टी सिक्स बनाना है मुझे मुझे क्या बनाना है थर्टी सिक्स अगर मैं ध्यान से देखूं तो थर्टी सिक्स बन सकता है एट इंटू सिक्स कितना हो सकता है दैट इज फोर्टी एट नॉर्थ और साउथ में जो दो दो नंबर दे रखे हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लिया तो बन गया फोर्टी एट ठीक है वेस्ट और ईस्ट में जो दो नंबर दे रखे हैं टू और सिक्स उसे मल्टीप्लाई कर लिया सो दैट इज ट्वेल्व सो दैट इज फोर्टी एट माइनस ट्वेल्व कितना होगा दैट इज थर्टी सिक्स तो कितना बन जाएगा थर्टी सिक्स सेवन इंटू एट कितना बन गया दैट इज फिफ्टी सिक्स हाँ जी फिफ्टी सिक्स नॉर्थ साउथ से बन गया

तो okay, लेटर्स so, so, uh, so, के लिए तो तुम्हें बताई चुका हूँ कि नंबरिंग कर सकते हो रिवर्स डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नंबर्स के लिए तुम क्या कर सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज कर सकते हो सम ऑफ डिजिट कर सकते हो डिफरेंस ऑफ डिजिट कर सकते हो उनका स्क्र कर सकते हो उनका क्यूब कर सकते हो क्लियर है तो ये कुछ बातें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए सेम जो क्वेश्चन हमने नंबर सीरीज में भी किए थे वैसे ही पैटर्न इसमें भी बन सकता है क्लियर तो थ्री सी टू बी फोर ए ट्वेंटी क्वेश्चन मार्क्सिक्सटी फोर बी नाइन सी फोर ए सिक्सटीन भी कैसे भी रीड आउट कर सकते हो रो वाइज भी रीड आउट कर सकते हो कॉलम वाइज भी रीड आउट कर सकते हो ठीक है तो अगेन दैट इज करेक्ट दैट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो क्लियर है तो इसमें भी मैट्रिक्स दी हुई है उसमें भी कुछ मैट्रिक्स शेप में आपको दिया हुआ है सो अगेन दिस इज अ थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स तो थ्री सी टू बी फोर ए या थ्री सी ट्वेंटी सेवन ए नाइन सी हाँ जी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इन चार ऑप्शन में से एक आंसर सर्च करने की कोशिश करेंगे हाँ जी सो so, ट्राई दिस क्वेश्चन हाँ जी आई थिंक अभी तक आप सोच पाए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में तो so स्टूडेंट अगर मैं इसे ध्यान से देखूं थ्री टू फोर थ्री ट्वेंटी सेवन नाइन आई थिंक वर्टिकल जो मैं कॉलम वाइज चलूं तो इजी है मेरे लिए थ्री और नाइन को जो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन सकता है ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन का कितना बनेगा ट्वेंटी सेवन क्लियर है तो ये पैटर्न इसमें भी एप्लीकेबल होना चाहिए इसमें भी फोर और सिक्सटीन पहले जो गिवन है उनमें आइडेंटिफाई कर लेता हूँ इंटू सिक्सटीन कितना बनेगा दैट इज सिक्सटी फोर ठीक है तो जो अपर कॉलम है और जो लास्ट uh, कॉलम है उन्हें जो मल्टीप्लाई करूंगा उसमें जो दो नंबर दिए हैं तो जो सेंटर में जो कॉलम है उसमें जो नंबर दिया हुआ है वो आ जाता है मेरे पास फोर इंटू सिक्स क्लियर है सो दैट विल बी आल्सो एप्लीकेबल फॉर दैट इज टू इंटू फोर सो दैट इज एट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा एट नंबर तो एट आएगा इतनी पक्की बात है क्लियर है अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं अब इसमें रो वाइज अगर तुम ध्यान से देखो जो जो मुझे गिवन है सी बी ए रो वाइज क्या दिया हुआ है मेरे पास दैट इज सी बी ए तो इसका मतलब जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी वो एक बार अपियर हो रहे हैं सिमिलरली लास्ट रो मेरी पूरी फील्ड है तो उसे मैं दे सकता हूं सी ए बी तो अगेन जो ए बी सी है वो एक बार यहां पर अपियर हो रहा है तो इसका मतलब रो वाइज तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कॉलम वाइज तो नंबर मिल गया तुम्हें बट रो वाइज तुम्हें अल्फाबेट मिल सकता है ठीक है और उसमें पैटर्न क्या बन रहा है कि ए बी सी एक बार अपीयर होगा इसमें ए आ चुका है यहां पर बी आ चुका है बट सी नहीं है सेकेंड रो में तो इसका मतलब सेकेंड रो में सी आएगा सेंटर में तो इसका मतलब जो मेरे पास कैरेक्टर बनना चाहिए दैट इज नंबर बनना चाहिए एट और लेटर बनना चाहिए सी तो माई आंसर सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल विल बी बी सी सो दैट ऑप्शन ए दैट इज एट सी हाँ जी जल्दी से नोट डाउन करेंगे एट सी सो दैट इज ऑप्शन ए ओके आई थिंक स्टूडेंट्स ये कर पाए होंगे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो यहां पर गिवन है इसे रब कर रहा हूं मैं सेकंड क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से हाँ जी अगेन स्टूडेंट्स जिसमें जो लेटर्स दिए हुए इनकी मैं नंबरिंग कर सकता हूं ठीक है तो इजोटी से आपके पास नंबरिंग आ सकती है इजोटी जो निमोनिक है फॉरवर्ड रिवर्स नंबरिंग आपको पता होना चाहिए फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एट द क्लियर है तो सी के सी इज थ्री के विल बी कितना बनेगा दैट इज के इज इलेवन जी जे कितना है टेन हां जी आर कितना बनेगा स्टूडेंट आर एस टी तो आर विल बी 18, हाँ जी ओ कितना है फिफ्टीन हाँ जी एस कितना बनेगा दैट इज नाइनटीन टी कितना है दैट इज ट्वेंटी एक्स कितना बनेगा दट इजी फोर के कितना है दैट इज इलेवन और एम कितना बनेगा दैट इज एम इज के इलेवन एल ट्वेल्व एम विल बी मिडल थर्टीन क्लियर है हाँ जी पी एन ओ पी अब इन numbering कर बेसिस पर उसने सेंटर में दो नंबर दिए हुए क्लियर है उन्हें मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं जल्दी से देखो थ्री इलेवन टेन एटीन थ्री और इलेवन का सम कितना बना दैट इज फोर्टीन थ्री और इलेवन का सम कितना बना है यहाँ पर कितना दिया सिक्सटीन और नाइन फोर्टीन में अगर टू एड करूँ तो कितना बनना चाहिए दैट इज सिक्सटीन तो ये नीचे वाले के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए सो दैट इज फिफ्टीन प्लस नाइनटीन कितना होगा सो दैट इज थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस टू कितना होना चाहिए दैट इज बस यहां पर 24 दिया हुआ तो मतलब है।, है तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है क्लियर है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई और पैटर्न फॉलो होगा हाँ जी तो थ्री और इलेवन थ्री प्लस इलेवन दैट इज फोर्टीन ठीक है अब मुझे सिक्सटीन और नाइन चाहिए ये सिक्सटीन तो बन नहीं रहा ठीक है थ्री और फोर्टीन से थ्री और इलेवन से मैं नाइन कैसे बना सकता हूं थ्री और इलेवन का जब मैं एवरेज निकाल लिया तो कितना बनेगा दैट इज ये टू एड कर दिया तो नाइन बन गया क्लियर है इन दोनों का जो नंबर दे रखा है सी और के का उसका एवरेज फाइंड आउट कर लिया और उसमें प्लस टू कर दिया तो मेरे पास इससे क्या बन जाएगा नाइन बन जाएगा ये हो सकता है अब उसका एवरेज निकाल के चेक कर लेता हूं क्या सिक्सटीन पॉसिबल है टेन प्लस एटीन बाय टू 28 2 कितना बन गया? That is 14. 14 में भी क्या ऐड करना है? 2. So that is 16. तो so और 18 से क्या बन रहा है तो सिमिलर पैटर्न मैं इसमें भी चेक कर लूंगा हाँ जी फिफ्टीन प्लस नाइनटीन कितना हो गया थर्टी फोर थर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू सेवनटीन सेवनटीन प्लस टू नाइनटीन तो ओ और एस से नाइनटीन पॉसिबल है

तो के और एम की जगह यहाँ पर क्या लिख दूंगा इस क्वेश्चन मार्क पर क्लियर? दूर तो दूर लिखना है जो दूर है। जो वाला क्वेश्चन मार्क जी, TV, 16 plus 22, कितना बनेगा में भी कितना तो so so यहाँ पर क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन सो द्वेंटी वन फोर्टीन सो दैट इज ट्वेंटी आंसर क्या बनेगा विल विल बी 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 एंड सो 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 दैट ऑप्शन फॉर मी अगेन आई आई हैव एम गिविंग यू सम आर द टू क्वेश्चन जिनका तुम आंसर कर सकते हो हाँ जी जल्दी से ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आ सकता है इन ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं हाँ ओके okay, तो आई थिंक अभी तक आप ट्राई कर पाए होंगे तो ये देखिए यहां पर टू ट्वेंटी एट थ्री दिया हुआ है फोर फिफ्टी फाइव थ्री क्वेश्चन मार्क फाइव और यहाँ पर ये यह ऑप्शन दिए हुए अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है मल्टीपल आंसर कैन एग्जिस्ट बट आपको ऑप्शन भी ध्यान रखने हैं उसकी उसके हिसाब से तुम्हें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और आंसर कंस्ट्रक्ट करना है तो ट्वेंटी एट टू और थ्री फिफ्टी दिया हुआ है सबसे बड़ा नंबर फोर और फाइव थ्री और फाइव क्वेश्चन मार्क तो स्ट्रेंट तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर तो टू का स्क्वेयर प्लस थ्री का स्क्र नाइन प्लस फोर थर्टीन बनेगा बात नहीं बनी टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब तो एट प्लस ट्वेंटी और उनका डिफरेंस से भी बात नहीं बन रही है ट्वेंटी एट नहीं बन रहा है तो इसमें और क्या मेरे ध्यान में आ सकता है जिससे मैं बना सकता हूँ मल्टीप्लाई करके देख लिया डिविजन से कुछ नहीं बनेगा ठीक है ट्वेंटी एट डिवाइड बाई टू फोर्टीन बनना चाहिए बट थ्री दिया हुआ है तो कुछ बन नहीं रहा एज इट इज ठीक है तो यहां पर जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ बन नहीं रहा तो वहां पर डिजिट्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लियर है तो किन्नी दो डिजिट को कंबाइन कर लो और उसके बाद उसमें जो थर्ड डिजिट है उसे ऐड कर लो सब्रैक्ट कर लो मल्टीप्लाई कर लो ठीक है डिवाइड कर लो तो ऐसा कुछ किया जा सकता है तो अगेन आप डिजिट्स का भी कम्बिनेशन बना सकते हैं और उसके बाद उसे सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं दैट इज सम ऑफ डिजिट्स डिफरेंस ऑफ डिजिट तो अगर कुछ भी ना बने किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से देन आप डिजिट पे आओ क्लियर है तो अगर मैं डिजिट्स पर आता हूँ टू और थ्री अगर मैं बनाऊं तो टू और थ्री में ध्यान से मैं देखूं तो ट्वेंटी थ्री बनाया जा सकता है टू और थ्री को क्या लिख लिया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में फाइव ऐड कर दिया तो बन गया ट्वेंटी एट ऐसा हो सकता है तो यही फाइव इसमें भी ऐड होकर फिफ्टी बनना चाहिए ऐसे ही तो फोर और फाइव क्या बनेगा फोर्टी फाइव सो दैट इज एल एच एस आर एच एस और सेंटर में सेंटर नंबर सेंट्रल नंबर बनाने के लिए फाइव सो दैट इज फिफ्टी क्लियर स्टूडेंट

जी नेक्स्ट देखिए ध्यान से देखो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो नंबर दिए हुए हैं वो काफी बड़े हैं ठीक है एस कंपेयर टू जो सेंटर में तो क्वेश्चन में अगेन डिजिट्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है तो नाइन प्लस सिक्स अगर मैं इसका सम ऑफ डिजिट करूं नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन तो डिजिट्स का सम कर रहा हूं एट प्लस फोर

इसका भी आंसर क्या बनेगा दैट दैट इज इज ऑप्शन ए क्लियर स्टूडेंट तो इस तरीके के भी क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं तुमसे तो बी रेडी फॉर ओके स्टूडेंट सो अगेन यू आर गिवन विद सम क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन अल्फाबेटिकल बेस्ड है और अगेन एक यहाँ पर एक स्टार शेप दिखाई गई है यहाँ पर एक मैट्रिक्स में दिखाई गई है क्लियर है तो मुझे यहां पर अगेन क्या करना है मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करने हैं क्लियर है। और यहां पर मुझे मिसिंग लेटर आइडेंटिफाई करने हैं सो ट्राई टू सॉल्व थ्री तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं क्या दिया हुआ है जेड एस आर ओ जी सी तो अगेन स्टूडेंट्स इस इन क्वेश्चन में तुमने बताया कि सोल्व करने का तरीका क्या है उनकी नंबरिंग कर लो आप जेड ट्वेंटी सिक्स होता है ठीक है पी क्यू आर एस टी ठीक है तो टी स्टैंड फॉर ट्वेंटी एंड दैट इज एस विल बी नाइनटीन हाँ जी आर कितना होगा आर विल बी एटीन ओ कितना होगा दैट इज फिफ्टीन हाँ जी जी कितना होगा एफ जी जी इज सेवन सी विल बी थ्री क्लियर स्टूडेंट्स तो नंबर्स यहां पर मेरे पास आ चुके हैं उसके बाद मैं डिफरेंस यहां पर चेक कर सकता हूं एटीन माइनस फिफ्टीन डिफरेंस कितने का है थ्री का है R और के बीच में डिफरेंस कितने का है थ्री का जी और सी डिफरेंस कितना है सेवन और थ्री सो फोर। तो जैसे ही आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जा रहे हो जब आप नेक्स्ट बॉक्स में एंटर करते हो तो डिफरेंस है माइनस थ्री और उसके बाद डिफरेंस क्या बन रहा है दैट इज फोर तो -3, -4 से आप क्या कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो मैंने सेकंड रो देखी थर्ड रो देखी तो उसमें डिफरेंस कितना बन रहा है थ्री का और फोर का तो जैसे ही आप लेफ्ट से राइट right की तरफ मूव करते हो तो एल्फाबेट्स की जो नंबरिंग में डिफरेंस है दैट इज थ्री एंड फोर क्लियर है तो कम हो रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट right साइड की तरफ जब आप मूव करते हो क्लियर है हां जी Z26, अब स्टूडेंट्स अब मुझे पता है यहां पर थ्री का डिफरेंस होना चाहिए ट्वेंटी सिक्स माइनस थ्री लिखूंगा मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह so सो 23 के बाद मुझे चार का डिफरेंस माइनस फोर सो दैट इज नाइनटीन उसने लिखा ही हुआ है हाँ जी तो ट्वेंटी सिक्स माइनस थ्री सो दैट इज ट्वेंटी थ्री ठीक है तो ट्वेंटी थ्री पर कौन सा नंबर आएगा वी स्टैंड फॉर विक्ट्री सो दैट इज वी स्टैंड फॉर विक्ट्री सो दैट इज ट्वेंटी टू V22 है T U V W तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह इज so W फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में तो आ जाएगा W क्लियर है हाँ जी सेकंड क्वेश्चन मार्क में देखेंगे 18 -3, 15, 15 -4 करना पड़ेगा so that is 11 11 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा J इज 10 J इज 10 क्लियर है तो J के बाद कौन सा आएगा K K का नंबर क्या होगा 11 तो so एक अल्फाबेट बना W एक बना के फर्स्ट रो में बना W सेकंड रो में बना के थर्ड रो में स्टूडेंट देखो सेवन थ्री फोर का डिफरेंस ठीक है तो इससे पहले मुझे थ्री का डिफरेंस चाहिए यहां पर तो अगर मुझे यहां पर थ्री का डिफरेंस रखना है थर्ड रो में तो मुझे यहां पर टेन लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा तभी तो टेन माइनस थ्री सेवन होगा हां जी तो टेंथ नंबर पे कौन सा आएगा दैट इज नंबर पे कौन सा लेटर आएगा जे तो आंसर आर डब्ल्यू के जे एंड जे आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से थर्टी सेवन टेन वन फोर्टी टू इलेवन क्वेश्चन मार्क हांजी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको मेट्रिक्स में इस तरह के नंबर दिए हुए हैं क्लियर है तो इनमें अगर आप कोई रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं तो एक बार क्या करो सभी का एक बार सम चेक कर लो रो वाइज कोलम वाइज ठीक है तो ये भी हो सकता है डिजिट्स के बारे में बात कर चुका हूं उनका सम डिफरेंस एक क्वेश्चन हमने किया भी था ठीक है स्क्वेयर्स की बात कर सक कर चुका हूँ क्यूब्स की बात कर चुका हूँ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर चुका हूँ क्लियर है तो ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ बट कई बार क्वेश्चन क्या होता है उसमें कोई रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा एज इट इज आप क्या कर सकते हो किसी रो या किसी कोलम का सम बन रहा हो कुछ क्लियर है वर्टिकली जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनका सम एक फिक्स एक फिक्स वैल्यू बन रही हो क्लियर है फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड बन रहा है चार कॉलम है चारों कॉलम्स का सम कितना बन रहा है हंड्रेड हंड्रेड अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो मिसिंग नंबर निकाल सकते हो या रोज का भी हो सकता है क्लियर है तो जल्दी से इसमें चेक करेंगे तो अगर मैं इसमें कॉलम वाइज अगर एक बार सम चेक करके देखता हूं सभी का चेक करो थर्टी वन सिक्सटी एट नाइनटी वन टेन

सेवेंटी टू प्लस सेवन कितना होगा 142, 142 plus 58, again 200, जैसे कि सेकंड कॉलम में हुआ था हाँ जी वन जीरो सिक्स प्लस एट्टी सेवन चेक कर लो कितना होता है दैट इज कितना बनेगा वन नाइनटी थ्री तो मुझे सम कितना चाहिए टू डबल जीरो तो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आ जाएगा दैट इज सेवन माई आंसर विल बी सेवन माई आंसर विल बी सेवन तो एक फिक्सड सम बन सकता है कॉलम वाइज या रो वाइज ऐसा भी कोई क्वेश्चन तुमसे वो सॉल्व करवा सकता है पर. Clear, हाँ जी, एक स्टार शेप दे रखी है उसके साइड में और सेंटर में एक नंबर दे रखा है तो मुझे एक साइड पर बताना है जहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा है नंबर क्या होगा अगेन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ जी वन टू थ्री फोर सिक्स वन टू थ्री फोर सिक्स अगर मैं क्लॉकवाइज चलू सेंटर में एक नंबर दे रखा ट्वेल्व ठीक है अगेन इसमें आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो जैसे मर्जी चल सकते हो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है मुझे हां जी सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स अगेन एक बात ध्यान में रखनी है जो मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं उसके बेसिस पर आंसर कंस्ट्रक्ट करना है हो सकता है मल्टीपल आंसर कैन एग्जिस्ट ठीक है तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा ये आंसर बन रहा था बट उसने ऑप्शन नहीं दिया हुआ था ये वाला तो बट जो उसने ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से तुम्हें आंसर बनाना है मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करना है तो वेरियस टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन आई हैव डिस्कस्ड विद यू हाँ जी फ्रेंड्स ध्यान से चेक करो टू थ्री फोर सिक्स वन ट्वेल्व बन रहा है सेंटर में तो साइड्स के नंबर से अगर सेंटर का नंबर बन सके चेक करो एक बार हां जी अगर मैं चेक करूँ स्टूडेंट्स तो टू नॉर्थ और साउथ में जो दो नंबर देखे टू इंटू सिक्स क्या बना रहे हैं ट्वेल्व टू इंटू सिक्स क्या बना बना रहे हैं मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व थ्री और फोर मल्टीप्लाई करके क्या बना रहे हैं ट्वेल्व राइट हैंड साइड में जो दो नंबर दिए हैं वो मल्टीप्लाई करके क्या बना रहे हैं अगेन ट्वेल्व बना रहे हैं नॉर्थ साउथ में जो दो नंबर दे रखे हैं मल्टीप्लाई करके अगेन ट्वेल्व बना रहे हैं तो इसका मतलब जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर दो नंबर है वो भी मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे ट्वेल्व बनाएंगे हाँ जी वन इन टू क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर क्या बनेगा तो वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ट्वेल्व बने तो ट्वेल्व के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो माय आंसर विल बी ऑप्शन सी सो दैट इज ट्वेल्व सो माय आंसर विल बी ऑप्शन सी सो दैट इज ट्वेल्व फोर क्वेश्चन टू डिस्कस विद यू सो ट्राई दीज फोर क्वेश्चन सो दट इज वन टू थ्री फोर हाँ जी जल्दी से ट्राई करेंगे ना वन टू थ्री फोर सो दैट इज सिक्सटीन है कुछ में ऑप्शन है कुछ में ऑप्शन नहीं है क्लियर है अगेन आप अपने हिसाब से इसे सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं ठीक है तो मैं अलग अलग फिगर्स तुम्हें दिखा रहा हूं यहाँ पे ट्राइंगल दिखाया है मैंने रेक्टेंगल दिखाया है स्क्वेयर दिखाया है सर्कल दिखाया है ओवल शेप्ड मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ ठीक है मैट्रिक्स हो सकती है कोई कुछ भी दिया जा सकता है स्टार हो सकता है तो अगेन आपको कुछ भी लॉजिक या पैटर्न उसमें अप्लाई करना आना चाहिए हाँ जी ओके फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर रहा हूँ ट्वेंटी फाइव सेवनटीन सिक्स थर्टी एट एटीन एट एटी नाइन सिक्सटीन क्वेश्चन मार्क तो तुम ध्यान से देखो तो जो मेरे पास ऊपर जो नंबर दिए टॉप में वो बिगर है वो लार्जर है, मैं छोटा बना सकता हूं, कर सकता हूं। है? तो बड़े नंबर से छोटा नंबर कैसे ऑप्टेन कर सकते हो कि उसमें तुम डिवीजन ऑपरेशन लगा सकते हो क्लियर है तो ट्वेंटी फाइव सेवनटीन तो इसका डिफरेंस कितना बना 8. 8 को किसी नंबर से डिवाइड करूं सिक्स बन जाए ऐसा नहीं है नहीं बन रहा ट्वेंटी फाइव प्लस सेवनटीन जब मैंने किया तो कितना बना दैट इज फोर्टी टू फोर्टी टू को मैं किस नंबर से डिवाइड कर दूं कि ये नंबर छोटा हो जाए तो फोर्टी टू को सेवन से डिवाइड किया जा सकता है तो क्या बन जाए सिक्स तो इसका मतलब तो जो टॉप में जो दो नंबर दिए हैं उनका एडिशन कर दो और सेवन से क्या कर दो डिवाइड कर दो तो जो आपको नीचे नंबर दिया हुआ वो, वो बन जाएगा हाँ जी थर्टी एट प्लस एटीन कर दो स्टूडेंट कितना बनेगा थर्टी एट प्लस एटीन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स को अगेन सेवन से डिवाइड कर दो ये तो, तो ये कितना बन जाएगा एट बन जाएगा क्लियर है तो इसका मतलब सेम पैटर्न सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो गया 89 और 16 को ऐड किया तो कितना बना 105 105 को 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना बनेगा 15 तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दैट इज 15 सो माय आंसर विल बी 15 हां जी नेक्स्ट देखिए इसमें सो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 7293216343 क्वेश्चन मार्क 64 हां जी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स हाँ जी तो सरेंड ये वाला क्वेश्चन देखो सेवन टू नाइन थ्री टू वन सिक्स थ्री फोर थ्री क्वेश्चन मार्क्स सिक्स फोर तो अगर तुम्हें क्यूब्स या स्क्र्स याद हैं तो जल्दी से इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो सेवन ट्वेंटी नाइन अगेन किसका क्यूब है दैट इज नाइन का क्यूब है ठीक है तो नाइन को तीन बार मल्टीप्लाई करो नाइन से तो सेवन ट्वेंटी नाइन बनेगा हाँ जी टू वन सिक्स किसका क्यूब है सिक्स का क्यूब है तो नाइन माइनस सिक्स जब मैंने किया तो क्या बन जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है दोनों का मैंने क्यूब रूट ले दिया और उनका डिफरेंस लिख दिया सेंटर में दैट इज थ्री हाँ जी थ्री फोर्टी थ्री किसका क्यूब है दट इज सेवन का हाँ जी सिक्सटी फोर किसका क्यूब है फोर का अगेन इन दोनों का क्यूब रूट ले दिया तो सेवन माइनस फोर दैट इज थ्री तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा थ्री सो माई आंसर विल बी ऑप्शन सी सो माई आंसर विल बी ऑप्शन सी हाँ जी जल्दी से नोट डाउन करेंगे ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री जो ट्राइंगल्स की फॉर्म में आपको दिया हुआ इसमें हाँ जी फोर सिक्स थ्री ट्वेंटी सेवन थ्री फोर फाइव ट्वेंटी सिक्स फाइव एट सेवन जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर चुके हैं स्टूडेंट्स तो इसे डॉप कर रहा हूं हाँ जी फोर सिक्स थ्री एक तो मेथड ये हो सकता है सेंटर में जो नंबर दिया हुआ है ट्राइंगल में साइड के जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर नंबर दिए हुए हैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं और जो नीचे जो बेस पर नंबर दिया हुआ है उसे ऐड कर दूँ सिक्स फोर द ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन बट ये इसमें भी एप्लीकेबल होना चाहिए फोर थ्री द टेल्व प्लस फाइव कितना बनना चाहिए सेवनटीन जो कि इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है क्लियर है अब कोई और पैटर्न मैं चेक करता हूं कैसे इसे बनाया जा सकता है हाँ जी अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूं ठीक है तीनों साइड्स पर जो ट्राइंगल के नंबर दिए उन्हें ऐड कर लेता हूँ फोर प्लस सिक्स टेन टेन प्लस ठीक है थर्टीन से ट्वेंटी इंटू टू प्लस वन सो दर्ट ट्वेंटी सेवन थ्री फोर फाइव तीनों को ऐड किया तीन प्लस चार सात सात प्लस पांच बारह ठीक है बारह को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं दो से ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में कितना ऐड कर दिया टू सो दैट इज कितना बन जाएगा ट्वेंटी सिक्स तो यहां पर वन एड किया था यहां पर टू एड किया बट जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है दैट विल रिमेन सेम 20 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से ही मल्टीप्लाई करना है बट जो नंबर्स आप ऐड कर रहे हो वो क्या क्या कर रहा है एक नंबर से इंक्रीज हो रहा है 1, 2 के बाद कौन सा आएगा Three. So that is plus 3. तो दैट इज 40 प्लस थ्री सो दैट इज 43. सो माय आंसर विल बी 43. सो दैट विल बी ऑप्शन सी सो दैट विल बी ऑप्शन सी हाँ जी थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करेंगे सो दैट विल बी ऑप्शन सी सो दैट इज फोर्टी थ्री हां जी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर सेवेंटी टू ट्वेंटी फोर सिक्स नाइनटी सिक्स सिक्सटीन ट्वेल्व वन जीरो एट क्वेश्चन मार्क एटीन ये क्वेश्चन नोट डाउन कर पाए होंगे स्टूडेंट्स शायद सिर्फ कर रहा हूं हाँ जी सेवेंटी टू ट्वेंटी फ़ोर सिक्स नाइन्टी सिक्स सिक्सटीन ट्वेल्व वन ज़ीरो एट क्वेश्चन मार्क एटीन ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ ईजी है कर सकते हो ठीक है नंबर्स के आप के बीच में आपस में रिलेशन बनाना ईजी है इसमें लॉजिक फाइंड आउट करना ईजी है सेवनटी टू ट्वेंटी फोर सिक्स हाँ जी हाँ जी 70, अगर मैं रो वाइज देख लू स्टूडेंट इसमें तो ध्यान से देखो सेवन ट्वेंटी फोर सिक्स को अगर मैं 6 से कर दूं, 72 को अगर मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया ट्वेल्व ट्वेल्व को टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ट्वेंटी फोर तो कितना आ गया ट्वेंटी फोर हाँ जी क्लियर है तो ऐसे ट्वेंटी फोर ऑप्टेन किया जा सकता है सिमिलरली नाइनटी सिक्स और ट्वेल्व नाइनटी सिक्स को ट्वेल्व से डिवाइड कर दिया तो कितना आया एट और एट को टू से मल्टीप्लाई कर दिया ये फैक्टर फिक्स रखा तो एट टू दिक्सटीन बन गया हाँ जी वन so 6, 6 जीरो की जगह आंसर क्या आ जाएगा दैट इज क्लियर है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर सेम लेफ्ट को राइट हैंड साइड पर जो नंबर दिया हुआ दो और वो जो आंसर आएगा उसे दो से मल्टीप्लाई कर दो जो सेंटर में जो कॉलम में जो नंबर दिए हैं वो आपके पास ऑप्टेन हो जाएंगे आंसर विल बी ट्वेल्व ओके स्टूडेंट सो ये कुछ चार क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए हैं यहां पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक मैट्रिक्स दी है अगेन ये एक मैट्रिक्स दी है तीन मैट्रिक्स दी हुई है और एक इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर शो किया है तो इन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन मार्क वाइज भी रीड कर सकते हैं आप इसे और रो वाइज भी इसे रीड कर सकते हैं अगेन एक और मैंने आपको स्क्वेयर मैट्रिक्स यहाँ पर शो की है क्लियर है तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें जल्दी से एक बार ऑब्जर्व करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे

ट्वेंटी फाइव हाँ जी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से ओके सिक्स इलेवन सिक्स एट ट्वेल्व दिया हुआ इसने तो सिक्स एट ट्वेल्व सो दैट इज एट सिक्स फोर्टीन बन रहा है इसका अगर मैं कॉलम वाइज सम करूँ ट्वेल्व नहीं बन रहा है टी फाइव ठीक है तो ये कैसे बन सकता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी से ट्वेंटी का नंबर है ट्वेंटी टू जो कि इलेवन से बनाया जा सकता है इलेवन को अगर टू से मल्टीप्लाई कर दू ट्वेंटी है ट्वेंटी टू हो गया ट्वेंटी टू में कितना एड करना है थ्री सिक्स को डिवाइड कर दू टू से सिक्स बाई टू कितना होगा थ्री थ्री प्लस ट्वेंटी टू कितना बनेगा दैट इजी फाइव क्लियर है तो अब मैं next row में भी अप्लाई करता हूं सिक्स इंटू टू ट्वेल्व Clear है ए डिवाइड बाई टू फोर ठीक है फोर प्लस ट्वेल्व बन गया 16 बन क्लियर आंसर विल बी ऑप्शन बी आंसर कितना बनेगा ऑप्शन बी क्लियर स्टूडेंट तो फर्स्ट कॉलम को दो से डिवाइड so so करना है और सेकेंड कॉलम को क्या करना है दो से मल्टीप्लाई करना है और एड कर देना है सो दैट इज फर्स्ट डिवाइड बाई टू प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू थर्ड कोलम क्लियर है किसी भी रोम में दो से डिवाइड किया इलेवन को दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो दो नंबर आए उन्हें एड कर दिया तो राइट हैंड साइड का जो आपका नंबर है वो अपीन हो जाएगा एट को दो से डिवाइड कर दिया सिक्स को दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नंबर आएंगे उन्हें एड करके सिक्सटीन बना दिया तो सिमिलरली लास्ट रोम में आंसर विल बी सिक्सटीन हाँ जी नेक्स्ट फिफ्टी वन इलेवन हाँ जी करेंगे इस क्वेश्चन को सिक्सटी वन हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टी वन इलेवन सिक्सटी वन स्टूडेंट इस क्वेश्चन तो को ध्यान से देखू तो फिफ्टी वन और सिक्सटी वन का डिफरेंस है दैट इज 10. 10 में वन एड कर दिया इलेवन सिक्सटी फोर और थर्टी टू का डिफरेंस कितना है कि कितना होगा सिक्सटी फोर और थर्टी टू का सो दैट विल बी टू और थ्री सो दैट विल बी क्लियर है सो so यहां पर क्या दिया हुआ है बट थर्टी दिया हुआ so है उसने ठीक है तो यहां पर प्लस वन कर रहा है यहां पर माइनस टू कर रहा है तो इससे कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है क्लियर है अब और क्या किया जा सकता है स्टूडेंट एक बात उन्हें ध्यान से दिख रही है यहां पर फाइव है यहां पर सिक्स है तो इलेवन कैसे बनाया जा सकता है फाइव प्लस सिक्स इलेवन हो सकता है तो उसके लिए तुम्हें डिजिट्स को देखना पड़ेगा इसमें अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं डिजिट्स को क्या कर सकता हूं में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ फाइव और वन के जो डिजिट्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइव इंटू वन सिक्स इंटू वन तो कितना बन जाएगा दैट इज फाइव प्लस सिक्स तो एक सेंटर में क्या नंबर है इलेवन आपके पास आ जाएगा ऐसे बन सकता है इलेवन नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स और फोर के जो दो मल्टीप्लाई कर दो सिक्स ट्वेंटी क्लियर है तो जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो नंबर है उनके जो डिजिट डिजिट है उनका सम कर दो फाइव थ्री दिफ्टी फोर थ्री द्वेल्व फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व कितना बनेगा ट्वेंटी सेवन सो माई आंसर विल बी ट्वेंटी किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो नंबर को ऑप्टेन कर सकते हो हाँ जी एक फॉर्म ये है क्वेश्चन की इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट इसमें फिर अब कर दू आई थिंक ये नोट डाउन कर चुके होंगे आप हाँ जी नाइन्टी थ्री ट्वेंटी सेवन सिक्सटी थ्री थ्री सेवन नाइन थर्टी एट थर्टी सेवन फोर सिक्सटी सेवन सिक्सटीन फोर्टी टू क्वेश्चन मार्क क्लियर अगेन आपको चार सर्कुलर बॉक्सेस दिए हुए इसमें हाँ जी नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन सिक्सटी थ्री 93 और 63 का डिफरेंस चेक कर लेते हैं टी है? हाँ तो सेवन so 30, 30 क्या होगा दैट इज 3 क्लियर है तो जो टॉप के तीन जो सर्कल्स हैं उनका मैं डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरे पास जो लास्ट में सर्कल दिया हुआ है वो आ जाएगा हाँ जी सेवेंटी नाइन माइनस थर्टी सेवन कितना बनेगा स्टूडेंट सेवनटी नाइन और थर्टी सेवन का डिफरेंस किया that is 2, that is 4. 42 minus 38, कितना बनेगा? That is 4. तो लास्ट में जो सर्कल में नंबर दैट इज फोर हाँ जी नेक्स्ट सिक्सटी सेवन माइनस फोर्टी टू ये कितना बनेगा दैट इज फाइव सिक्स माइनस फोर टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन कितना आ जाएगा सो दैट इज नाइन क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा नाइन माई आंसर विल बी नाइन क्लियर स्टूडेंट तो आंसर क्या बनेगा इसका नाइन आई थिंक क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे ओके स्टूडेंट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन थ्री फोर थ्री फोर सिक्स फोर फाइव सेवन क्वेश्चन मार्क और इज इक्वल टू में कुछ नंबर दिया जा सकते हैं अगेन देखो इसमें क्या है जो वो उसने अरेंजमेंट दिया है वो कोई मैट्रिक्स नहीं दिया है ना ही कोई शेप कोई फिगर दी है उसने क्लियर है तो वो किसी भी तरीके से तुम्हें यहाँ पर नंबर्स या लेटर्स अरेंज, अरेंज करके दे सकता है या उनका कॉम्बिनेशन अरेंज करके दे सकता है ठीक है तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस शेप में तुम्हें नंबर्स दे दे सकता है वहां पर अरेंज करके ठीक है वन थ्री फोर थ्री फोर सिक्स फोर फाइव सेवन तो यहां पर राइट हैंड साइड के नंबर बनाने हैं लेफ्ट हैंड साइड नंबर से तो ये ऑप्शन हैं अगेन मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल आंसर कैन एग्जिस्ट क्लियर है तो वो डिपेंड करेगा कि उसने ऑप्शन कौन से दे रखे हैं उस हिसाब से तुम्हें तो लॉजिक और पैटर्न का यूज करना पड़ेगा हां जी वन थ्री फोर को अगर मैं चेक करूं तो वन प्लस थ्री प्लस फोर कितना बना दैट इज एट तो दैट इज नॉट इक्वल टू टेन Clear है। बट एक बात क्लियर है थ्री टू सेंट्रल नंबर को दो गुना दू, एक फैक्टर से दो से मल्टीप्लाई कर दूं और बाकी जो साइड और राइट right साइड पर जो दो नंबर मल्टीप्लाई कर तो 6 plus 4 कितना बन जाएगा? स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्री इंटू सिक्स थ्री इंटू सिक्स कितना बनेगा एटीन क्लियर है और सेंटर वाले नंबर का क्या कर दूंगा डबल एटीन प्लस एट कितना बनेगा दट इजी सिक्स हाँ जी फोर फाइव सेवन फाइव का कितना कर दूंगा डबल फाइव का कितना कर दूंगा डबल फोर इंटू सेवन कितना कर दूंगा? So that is 28. 28 plus 10 कितना बन जाएगा? डी सो दैट इज थर्टी एट तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा थर्टी एट कैसे आया है तो आप इसे कर सकते हैं इस तरीके से भी वो क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें दे सकता है Am I clear, students? So I think ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको ओके तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक था इंसर्ट द मिसिंग करेक्टर जो कि मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया जिसमें डिफरेंट फिगर्स हमने

जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे साथ डिस्कस किया है तो ऐसे भी किया जा सकता है इसमें क्लियर है या फिर किसी रो का सम या किसी कॉलम का सम क्या बन रहा है कोई फिक्स वैल्यू बन रहा है क्लियर है जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था जिसमें एक सम क्या बन रहा था टू हंड्रेड बन रहा था सभी कॉलम्स का क्लियर है तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज के वो क्वेश्चन वहां पर बना सकता है अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट सो दैट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन बी गिवन टू यू एम आई क्लियर फ्रेंड ओके थैंक यू आई थिंक आज आज का वीडियो आपको समझ आया होगा सो कीप वॉचिंग आवर चैनल यूर पीडिया एजुकेशन थैंक यू स्टूडेंट्स